देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। हर देशवासी स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद कर रहा है। देश की जीवन रेखा भारतीय रेल इस अवसर पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन अभियान चलाकर हमारे अमर सेनानियों को न सिर्फ याद कर रही है, बल्कि आजादी से जुड़ी जिन धरोहरों को देश भर में फैले रेलवे नेटवर्क के माध्यम से संरक्षित किया गया है, उन्हें देशवासियों से साझा भी कर रही है। रानी चेन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, खुदीराम बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों का देश की आजादी में अतुलनीय योगदान है। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन को समर्पित किया गया है। इतना ही नहीं, आजादी की पहली लड़ाई की याद में झांसी से कोलकाता के बीच कई वर्षों से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस का संचालन भी किया जा रहा है। कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने 1857 की क्रांति से 33 वर्ष पहले 1824 में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूंका था। देश के लिए उनकी शहादत के सम्मान में भारतीय रेल द्वारा कई वर्ष से रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाली थी। उन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम को अपनी कर्मभूमि बनाया। भारतीय रेल द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित आश्रम एक्सप्रेस का संचालन अहमदाबाद से दिल्ली तक किया जा रहा है। साबरमती में एक रेलवे स्टेशन भी है और अहमदाबाद मुंबई बुलेट परियोजना के अंतर्गत साबरमती मल्टी मॉडल हब बनाया जा रहा है, जो बापू के दांडी मार्च की थीम पर आधारित है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए नरसंहार में शहीद हुए देशवासियों की याद में जलियांवाला बाग एक्सप्रेस चलाई जा रही है। तो भारत माँ के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को रेखांकित करने के लिए भारतीय रेल द्वारा हावड़ा और पुणे के मध्य आजाद हिंद एक्सप्रेस चलाई जा रही है। आजादी के आंदोलन को नई ऊर्जा देने वाली चौरी चौरा की घटना की याद में गोरखपुर से कानपुर के मध्य चौरी चौरा एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। ट्रेनें संचालित करने के साथ ही भारतीय रेल द्वारा अपने कई स्टेशनों को सेनानियों के नाम पर समर्पित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस के नाम का स्टेशन झारखंड के गोमो में स्थित है, तो मुगल सराय के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का नामकरण भारत माँ के महान सपूत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है। कर्नाटक के भगत सिंह के रूप में विख्यात अमर सेनानी श्री महादेवप्पा मैलार के नाम पर हावेरी जिले में स्टेशन स्थित है। वहीं तमिलनाडु के थुथुकुड़ी जिले में स्वतंत्रता सेनानी वांची मड़ी याची के नाम पर रेलवे स्टेशन मौजूद है। आजादी मिलने का फायदा तभी होना था जब रियासतों में बटे भारत को एक राष्ट्र बनाया जाता। छोटी छोटी रियासतों में बटे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। वही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में हुए चर्चित काकोरी ट्रेन एक्शन की यादों को भारतीय रेल ने संग्रहालय बनाकर संजोया है। यह तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। शायद ही देश का कोई राज्य होगा या देश का कोई हिस्सा होगा जहां स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को भारतीय रेल ने संरक्षित न किया हो, या फिर उनके नाम पर ट्रेनें न चलाई जा रही हों।